हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि जो महिलाएं काम करती हैं उनकी बेटियां ज्यादातर सफल होती हैं। कभी आपने सोचा है क्यों? या यूं कह लीजिए कि कामकाजी महिलाओं की जो बेटियां होती हैं उनके जो कैरियर होते हैं वो बेहतर होते हैं। और ये बकायदा एक शोध किया गया है, ये शोध का रिजल्ट है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। और शोध में ये पाया गया है कि घरेलू महिलाओं के मुकाबले कामकाजी महिलाओं की बेटियों का कैरियर बेहतर होता है। और ये अध्ययन ऐसा नहीं कि किसी एक देश में किया गया है, ये बहुत सारे देशों के अध्ययन का निचोड़ है। कामकाजी माओं के साथ बड़ा होना बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन में इसका प्रॉपर रिसर्च किया गया, उसमें हमारा देश हिंदुस्तान भी शामिल है। और रिसर्च में लगभग 1,00,000 पुरुष और महिलाओं को शामिल किया गया है और उनके पेशे का, उनके बच्चों से कनेक्शन को जांचा गया है। तो आपको पता है परिणाम क्या है? परिणाम ये था कि कामकाजी महिलाओं की बेटियों को जिंदगी में सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। वहीं कामकाजी माँ की परवरिश से लड़के बड़े होने पर अपने परिवार के लोगों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हालांकि इस रिसर्च में माँ के नौकरशुदा होने और बच्चों की खुशियों के संबंध के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। ये बच्चे भी घर पर रहने वाली माओं के साथ पलने वाले बच्चों के समान ही खुश रहते हैं। अब इस शोध के जो प्रमुख थीं, उनका नाम था कैथलीन मैककिन। उनके मुताबिक नौकरी करने वाली महिलाएं अक्सर अपने बच्चों के लिए भविष्य के खतरे का संकेत भांप जाती है। तो कामकाजी महिलाओं की बेटियां, जो बेटियां होती हैं, अपने समकक्षों से 4% अधिक तनख्वाह पाती है। बेटे भी पॉजिटिव होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस अध्ययन में यह भी पाया गया है कि कामकाजी महिलाओं का 3 में से 1 बेटी प्रबंधकीय पद पर थी, जबकि घरेलू महिलाओं की बेटियों में यह अनुपात 4 में 1 था। तो चलो, ये तो एक घर की बात हुई, ओवरऑल जब वर्ल्ड की बात करेंगे तो अनुपात काफी बड़ा हो जाता है। तो अध्ययन के मुताबिक ये नतीजे बताते हैं कि कामकाजी महिलाएं अपने बेटियों को ऐसे हुनर सिखाती हैं जो उन्हें उनके भविष्य में और नेतृत्व के पदों पर सफल बनाती है। उस स्टडी में सिर्फ माँ के कामकाजी होने और उनके बच्चे की जिंदगी में आगे चलकर आने वाले परिणाम पर ही रिसर्च की गई थी। इसका यह मतलब भी नहीं है कि घर पर रहने वाली महिलाओं के बच्चे कमतर हैं, मेरा कहने का मकसद कतई ऐसा नहीं है। शोधकर्ताओं ने यह भी साफ किया है कि रिसर्च के परिणाम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं कि कामकाजी महिलाओं के बच्चे ज्यादा खुश होते हैं या फिर कामकाजी महिलाएं बेहतर माँ होती है, ये कतई उसका मतलब कहने का मतलब नहीं है। सभी पेरेंट्स उस स्थिति से गुजरे हैं जब उनका बच्चा देर रात को जागता था और फिर रोते हुए बच्चे को चुप करवाने से लेकर उसे दोबारा सुनाने तक में पूरी रात निकल जाती थी। तो नवजात बच्चों को यूं रात में अचानक जाग जाना आम बात है। तो बहुत सारी बातें हैं जहां पे कामकाजी महिलाएं और जो घरेलू महिलाएं हैं उनके बारे में की गई है। तो हम चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। इसमें नौकरीशुदा मातृपक्ष और व्यस्क पेटू की कामकाजी धरे के बीच संबंध का पता नहीं चलता है। हालांकि कामकाजी महिलाओं के बेटों में देखा गया है कि वो अपने परिवार की देखभाल में ज़्यादा समय गुजारते हैं बनिस्पत घरेलू महिलाओं के बेटों के। पूरी दुनिया के पैमाने पर महिलाएं अधिकाधिक कामकाजी हो रही हैं, लेकिन इसी के समानांतर पुरुषों का घरेलू काम में हाथ बटाने की रफ्तार धीमी है। तो घर के कामों का महिलाओं पर अधिक भार होने से सार्वजनिक जिंदगी में उनके विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। तो ये सब सारी बातें हैं जिसकी वजह से कामकाजी महिलाओं की बेटियां जो होती हैं वो ज्यादा सफल होती है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।